does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these So, अगर आपके lips नो soft है, plain है, कोई भी flaky या dry skin नहीं है, chapped lips नहीं है, तो आप सिर्फ कोई भी lip balm लगा लीजिए और फिर जो आगे का process है, वो आप follow कीजिए। लेकिन अगर आपके lips नो dry है, cracked है और dry और flaky skin है आपके lips में, तो अब मैं जो आपको process दिखाने वाली हूँ, वो आपको ज़रूर follow करना होगा। So पहले आप उसके लिए vaseline लीजिएगा, थोड़ा सा आप vaseline लेके अपने lips में अपने लिप्स में ऐसे सप्लाई कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट एक अनयूज्ड ब्रश लेके, ये मैं यूज नहीं करती हूँ, मेक श्योर कि आप जिसमें ब्रश करते हैं वो ब्रश मत लीजिएगा। कोई भी अनयूज्ड जो ब्रश है वो ब्रश लेके आप ऐसे 30-40 सेकेंड्स तक अपने लिप को हल्के से मसाज कीजिएगा। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करना है, बहुत ही कम प्रेशर देना है। एंड मेक श्योर कि आप जो ब्रश लेंगे वो सॉफ्ट हो, हार्ड या मीडियम ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश हो। ये प्रोसेस करने से जो एक्स्ट्रा फ्लेकी स्किन है वो रिमूव हो जाता है, और अगर आपके लिप्स बहुत ही पतले हैं तो ये लिप्स को थोड़ा सा फुलर लुक देगा। सो आफ्टर मसाजिंग माई लिप्स, मैं एक ड्राई टिश्यू लेके जो एक्स्ट्रा वैसलिन है उसे ब्लॉट कर रही हूँ ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑयलीनेस ना रहे। और आप ये लिप बम लगाने के बाद भी ये स्टेप आप कर सकते हैं। सो नाउ मैं अपनी स्किन कलर के कंसीलर लेके अपने लिप्स को मैं कंसील कर रही हूँ। आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये प्रोसेस करने से जो आपके लिपस्टिक के कलर है वो ज़्यादा पॉपअप होगा। बहुतों के लिप्स डार्क होते हैं, तो जिसके लिए जो लिपस्टिक का कलर है वो अच्छे से दिखता नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। सो ये ट्रिक आप ज़रूर एक बार करके देखिएगा एंड आई अश्योर यू दैट यू विल लव इट। सिर्फ यही नहीं, ये लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में आप देखे होंगे कि मैं हमेशा फाउंडेशन, बीबी क्रीम या कंसीलर को अपने लिप्स में मैं अप्लाई करती हूँ। नाउ सेट योर कंसीलर और फाउंडेशन विथ अ कॉम्पैक्ट पाउडर और एनी लूज पाउडर यू लाइक, बट डोंट यूज टू मच पाउडर अदरवाइज इट विल ड्राइज अप योर लिप्स। हमेशा अपने लिप्स को लिप लाइनर से लाइन और फिल करके ही उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिएगा। और ये करने से जो आपके लिपस्टिक है वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एंड दूसरा कि आपका जो लिपस्टिक एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाता है। एंड मेनली जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं वो बिल्कुल पैची नहीं लगता है। सो ये और ये मैं हमेशा करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लिपस्टिक है वो लिप्स के बाहर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलता है। सो आज मैं लिक्विड लिपस्टिक आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अप्लाई करने में। सो पहले मैं अपनी लोअर लिप्स में मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी और अपने लोअर लिप्स को मैं अच्छे से फिल कर दूंगी। फिर मैं अपनी अपर लिप्स को भी फिल कर लूँगी। एंड मेक श्योर कि वन में जो एक बार में ही प्रोडक्ट निकलता है वो ही आप दोनों लिप्स में अप्लाई कीजिएगा। एंड अपने दोनों लिप्स को बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा, एक बार लिपस्टिक ड्राई होने दीजिए फिर आप प्रेस कीजिए या कुछ भी कीजिए। लेकिन जब आप लिपस्टिक को अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अपने दोनों लिप्स को प्रेस मत कीजिएगा, इससे लिपस्टिक जो है वो पैची हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम लग जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। सो बुलेट लिपस्टिक के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक के लिए अपने दोनों लिप्स को बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अच्छा भी लगा हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।